दोस्तों आज हम कंपेयर करेंगे दो मोबाइल के बीच में आखिर क्या कुछ फ़र्क है। एक आ जाता है हमारा रेडमी नोट 11 और दूसरा आ जाता है हमारा पोको M4 प्रो। इन दोनों में से आखिर आपको कौन सा वाला मोबाइल लेना चाहिए, सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपसे किसी भी तरह का डिटेल्स ना मिस हो पाए। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अगर डिज़ाइन की बात करें तो Redmi Note 11 में हमें एक ग्लॉसी बैक पैनल मिल जाता है जो कि बहुत बढ़िया दिखता है, और अदर साइड हमारा M4 Pro आता है जो उसमें एक मैट फिनिश मिल जाता है और जो कि थोड़ा सा शाइनिंग करता है और आप देख ही सकते हो वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों इस दोनों ही फ़ोन में आपको एक टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक स्पीकर ग्रिल मिल जाता है और एक माइक्रोफोन का जैक मिल जाता है। और लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में आपको दोनों ही मोबाइल में आपका सिम का ट्रे मिल जाता है जिसमें आपको ट्रिपल स्लॉट मिल जाता है, जिसे आप डेडिकेटेड स्लॉट भी जानते हो, जिसमें आपका 2 SIM और एक SD कार्ड भी लग जाता है। अगर ऊपर की बात करें दोस्तों तो ऊपर में आपका एक 3.5 mm का हेडफोन जैक मिल जाता है, उसके बाद एक स्पीकर ग्रिल और साथ ही में आपका एक IR ब्लास्टर, उसी के बाद आपको एक सेकेंडरी माइक नॉइस कैंसिलेशन के लिए। और राइट साइड की बात करें दोस्तों तो इन दोनों ही मोबाइल में आपको एक फिंगरप्रिंट स्कैनर मिल जाता है और एक वॉल्यूम रॉकर। दोस्तों अगर फ्रंट फेसिंग कैमरा की बात करते हैं, इन दोनों मोबाइल का फ्रंट फेसिंग कैमरा दोनों से अलग है क्योंकि दोस्तों पोको M4 Pro में आपका 16 MP का कैमरा मिल जाता है और हमारा जो Redmi Note 11 है उसमें आपका 13 MP का फ्रंट फेसिंग कैमरा मिल जाता है दोस्तों, लेकिन दोनों ही सेम काम करते हैं। दोस्तों अगर रियर कैमरा की बात करें तो पोको में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिल जाता है और रेडमी में हमें 4 कैमरा सेटअप मिल जाता है दोस्तों। दोस्तों पोको में हमारा एक 50 MP का मेन कैमरा और एक 8 MP का अल्ट्रा वाइड और तीसरा हमें एक 2 MP डेप्थ सेंसर मिल जाता है। अगर हम रेडमी की बात करें रेडमी नोट 11 की तो इसमें आपका एक 50 MP का कैमरा मिल जाता है और दूसरा हमारा 8 MP और साथ ही में 2 MP डेप्थ और 2 MP का मैक्रो दोस्तों, और 8 MP जो मैंने बोला उसमें आपका अल्ट्रा वाइड है ठीक है। अगर दोस्तों वीडियो क्वालिटी फीचर्स की बात करें तो दोनों में ही आपका सेम स्पेसिफिकेशन में रिकॉर्ड होता है, मतलब कि वीडियो अगर आप रिकॉर्डिंग करते हो दोनों ही मोबाइल से तो आपका जो वीडियो है फुल HD पे 30 फ्रेम तक एक कैप्चर कर पाता है, जो कि इतना ज़्यादा सफिशियंट नहीं है दोस्तों, और 10-12 हज़ार में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। दोस्तों अगर डिस्प्ले की बात करें तो दोनों ही मोबाइल में आपको 6.43 का एक एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है जिसका मैक्सिमम पीक ब्राइटनेस है 700 nits, जो कि ईजिली आपको सनलाइट में विजिबल हो जाते हैं क्योंकि दोस्तों ये दोनों ही मोबाइल के पेरेंट कंपनी एक है, मतलब शाओमी है, तो दोनों का मोबाइल का सब कुछ सेम है, सिर्फ सॉफ्टवेयर और मोबाइल का जो नेम है, मतलब पोको का पोको देता है और शाओमी का शाओमी, रेडमी का रेडमी, तो यही सिर्फ अलग है, नहीं तो सब कुछ एक है। आपको मैं साइड बाई साइड दिखा रहा हूँ, आप देखिए बस, आपको ज़रा सा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा आपको देखने के लिए। हाँ दोस्तों आपने बिल्कुल सही देखा, सब कुछ सही है दोस्तों। अगर दोस्तों बॉक्स पैकेजिंग की बात करें दोनों ही मोबाइल में आपको 33 वॉट का एक MMT चार्जिंग मिल जाता है और बॉक्स में आपको चार्जर इंक्लूड होता है दोस्तों। अभी के टाइम पे ये बहुत ही बढ़िया बात है क्योंकि अभी के समय में कुछ कंपनी अपने मोबाइल के बॉक्स पैकेजिंग में चार्जर ही नहीं इंक्लूड कराए, जैसे कि सैमसंग हो गया हमारा ठीक है। दोस्तों अगर आप इन दोनों में से किसी भी मोबाइल को लेने की सोच रहे हो तो आप आँख बंद करके ले सकते हो क्योंकि इन दोनों का जो स्ट्रक्चर, डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर सब कुछ एक है, सिर्फ नाम अलग है जैसा कि मैंने अभी आपको बोला है। अगर आप इस मोबाइल को ख़रीदना चाहते हो तो आप आँख बंद करके खरीद सकते हो क्योंकि ये मोबाइल लेना रियली वर्थ फॉर मनी है और आपको ये निराश नहीं करेगा मुझे लगता है ठीक है। और मैं कुछ दिनों से इसकी यूज़ कर रहा हूँ और दोस्तों अगर आपको एक डिटेल कैमरा कंपैरिजन चाहिए इन दोनों के बीच में तो कमेंट कीजिए, मैं उसका भी एक वीडियो लाऊंगा ज़रूर। तो दोस्तों सबके लिए कीप वॉचिंग।